अरे मेरे बेटे, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? माँ मैं ठीक हूं। लगी तो ना कहीं? उनका नाश हो जा, उनका, उनके कीड़े पड़े। ए बहू, दूध ले आ। अरे सबर कर ले, ऐसा कुछ ना हुआ, अभी से आराम करने दे। अरे बेटा, कहीं पुलिस ने तो ना मारा? पुलिस भला हाथ लगा सके ऐसे? मैंने कह दी थी थानेदार से कि महारा लमड़ा एक रात भी थाने में रुकना चाहिए, चाहे पैसे कितने लग जाए। या विक्रम हरते भी एक दिन सुलटना पड़ेगा। अरे सुलटे सुलटाए पड़े, देखा ना, देश रात देखता रहेगा और हम अपने लमड़े को ले आए। चल बेटा, तू अंदर चल, चल आराम कर ले, चल। जेल जाने की कसर रह गई थी, वह भी पूरी कर ली तेने। बड़ा नाम रोशन कर रहा है खानदान का। भाभी इसमें मेरी गलती ना है। मैं कहती हूँ मनोज, अब भी वक्त है, सुधर जा। जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। तू तो बस हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहे। मनोज, अपनों को समझाया जाता है, गैरों को नहीं। तुम गांव के माहौल को जानते हो, खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं दुश्मनी में, फिर भी दुश्मनी नहीं मिटती। क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो चलते राग रहे हैं। हर शुरुआत छोटी होती है, लेकिन जब अंजाम सामने आता है तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तू चुप रह बस। मेरे चुप रहने से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो जाएगा। क्या बात है मनोज, मैंने सुना है तुम्हें पुलिस ने पकड़ा था। वो विक्रम है ना, वो हॉस्टल में शराब सप्लाई कर रहा था। मैंने उसे पकड़ा, रोकने की कोशिश करी तो वो मेरे से ही भिड़ गया। तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानते ही हो विक्रम और उसके दोस्तों को, ऐसे लड़कों से दूर रहा करो। मैं कौन सा डरूं थे? मैं डरने की बात नहीं कर रही अक्कड़ूराम, तुम तो बस हर समय ऐठ में टैठ रहा करो। अच्छा ऐसा मैंने के कर दिया? के कर दिया? क्लास में तू नहीं आता, पढ़ाई लिखाई तू नहीं करता, लड़ाई झगड़े तू करता फिर है। अब तो पुलिस भी तेरे पकड़ के लेगी, और के करेगा तू? बस तुझे तो ये सब बात दिखाई दे मैं, और जो काम मैं करूँ वो तो ना देखती तू। देखने वाले कौन से काम कर रहा है तू? अरे मैं बच्चे पालने का जुगाड़ कर रहा हूँ। बच्चे? तेरे कौन से बच्चे हैं? अरे जो तेरे होंगे। अच्छा, आवारा बदमाश। छुप छुप के तू बात कर, काना पूसी दिन रात।
नहीं मन में चमकरा सा लागे से। करवट बदलू नींदा क्या से भागे से तेरे रूप का छोरी मन ने चमकरा सा लागे से। हो तेरे रूप का छोरी मन ने चमकरा सा लागे। राजू तू यहाँ क्या कर रहा? मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था? चाचू चाची अब कब आएगी? वो बेटे तुझे पसंद है? क्या बात हो रही है चाचा भतीजे में? वो भाभी राजू अपनी चाची के बारे में पूछ रहा है। राजू पूछ रहा है, तुम पूछवा रहे हो? भाभी वो भैया से कहो ना पिताजी से बात करें। कैसी बात? वो भाभी मेरी और पायल की शादी की। बड़े बेशरम हो, बड़ी जल्दी हो रही शादी की। अब क्या पर्चा हम भरेंगे, देखें कौन आवे हमारे सामने। मैं तो न्यू बोलू,
तू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नरेश भाई, बिल्कुल। और हम तो थारी गैल हैं, पूरी चीज जानते हैं। क्यों भाई? बहुत दिन हो गए इन्हें प्रधानी कर दो, गांव के लिए कुछ कराना धरा, हद हो खाने की भी। मैं तो न्यू बोल लू, मजा ही आएगा, तगड़ी टक्कर होगी चुनाव में। अरे कुछ टक्कर ना होने की पुजारी, मारे भाई मनोज ने ना देशराज के छोरे को हवा भी ना लगने दी, और उसका ताऊ सुना है चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसके लिया तो मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं तो वो कुछ समझ ही ना रहा। क्यों भाई? डेढ़ आने के आदमी मारे सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, कुत्ते की मौत मरेंगे साले। एक चुनाव क्या जीत लिया, सोच रहे सारी दुनिया जीत ली, वो भी पता ना जन्म कर्म में कैसे। और नहीं तो ये चीज सदा थारे खान दान में रही है और यही अच्छी लगे। क्यों भाई? अगर वो गांव की प्रधानी के चुनाव में खड़ा होवेगा तो बचेगा नहीं। तत्ता तत्ता ना खाया करते, दिमाग से भी काम ले लिया करते हैं। हाँ भाई, बड़े बूढ़ों की बात भी सुन लिया करे, चाह करनी अपने मन की हो। क्यों भाई? एक बार तो भुलावे में रह गया था, अब कहना छोड़ने का हूँ। अभी तो बात ही कर रहा हूँ, फिर औक भी दिखाएगा हमें। मैं तो न्यू बोल लू, आंख दिखाने में कोई कसर तो रही ना है, और जो रही सही कसर है वो पूरी हो जाएगी चुनाव में। क्यों भाई? ताऊ जी, अगर वो थारी सामने चुनाव में उठाना उसे मैं सदा के नहीं उठा दूंगा। सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहा हूँ वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, अपने गांव की खुशियों खाते हाँ, अरे अपने गांव की खुशियों खातिर दे दो वोट हमारी, अरे दे दो वोट हमारी। मांग रहा हूँ वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी। साल ते देख रहे कोई काम गाम में हुआ नहीं, काम गाम में हुआ नहीं, कोई काम गाम में हुआ नहीं, सारी समस्या ज्यों की त्यों है, एक को भी छुआ नहीं, एक को भी छुआ नहीं, एक को भी छुआ नहीं। योजना के सारे पैसे, अरे हाँ योजना के सारे पैसे खा गए करके गद्दारी। मांग रहा हूँ सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी। तमने मैं प्रधान चुना तो ल्याऊं गांव में खुशहाली, आए गांव में खुशहाली, आए गांव में खुशहाली, हर मोहल्ले में नल होगा, पिछवा दुखड़न जे और
बिच जाए करंदे और नाली, बिच जाए करंदे और नाली। आदर्श काम हो काम अपना, आदर्श काम हो काम अपना, ऐसी सोच हमारी। मांग रहा हूँ वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी। बहुत देखे तमने सरपंच इबके मन ने देख लो, इबके हमने देख लो, इबके हमने देख लो। थारे सपने पूरे कर दूं सब मिलके ये सोच लो, सब मिलके ये सोच लो, सब मिलके ये सोच लो। गांव के हित में लगाऊंगा, अरे गांव के हित में लगाऊंगा, जो मिलेगा पैसा सरकारी। मांग रहा हूँ वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी। अपने गांव की खुशियों खातिर, अरे अपने गांव की खुशियों खातिर दे दो वोट हमारी, अरे दे दो वोट हमारी। मांग रहा हूँ वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी, मांग रहे हैं वोट सभी ते सुन लो नर और नारी। हाँ तो पुजारी, तू एक बात साफ साफ बता, तू वोट किसे देवेगा? तू मारी ढब है या उनकी ढब है? मैं तो न्यू बोलू, मैं तो थारी ढब हूँ जी, थारी ढब, और वोट तो हम तब मैं। पुजारी, पुजारी जी, घर में है क्या? मर गए, इसका मर्द को भी अभी आना था। बेटा पुजारी, आज खैर नहीं है थारी, आज पुजारो ढाढ़ो कहीं मारेगी। आओ जी, आओ जी चौधरी, आओ जाओ, आओ आओ चौधरी, बैठो 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 चौधरी। अरे पुजारण, देखिए आज तो हमारे बाग जग गए, आज तो मने लगे सारे गांव की चौधर मारे घर में आके बैठ गई। बैठो जी, बैठो जी, आओ जी। बोलो बोलो जी। ए भैया बोलो, यू भी सही रहा, योगराज भी आए। अब पुजारी तुम्हू बता, वोट किसे देगा या हमें? मैं तो न्यू बोलू, हमारी तो दो वोट है जी, दो, एक तो मैं दे दूंगे और एक ही ना दे दूंगे। क्यों भाई? अरे यू के बात है, इसका क्या फायदा? यू तो तेरी गेरी ना गेरी बराबर होगी, तू हमें साफ साफ बता वोट देगा किसे? मैं तो न्यू बोलू, वोट तो हम तमें देंगे तमें। पुजारी क्या कह रहा है? सोच के बोल, सोच के समझा। सोच के, सोचना, सोचना के, सोच लिया। वोट का के हम अचार डालेंगे, वोट को के हम खावेंगे, वोट तो सारा गांव देगा। और तुम चौधरी साहब, तुम पाते क्यों बैठे हो जी? तुम इधर आके बैठो जी, सिरारे आ जाओ जी, आ जाओ। बस बस, तू बात को लड़ा मत, तू यू बता, तू किस ढब बैठेगा? पुजारी। अरे के होगा पुजारी? पुजारी चल भाई, योगराज इसकी वोट तो तू ही ले ले। मुझे ना चाहिए इसकी वोट, तू ही ले लीजिए। ओ
मैं न्यू बोलू, मैं इतनी आसानी से थोड़ी बता दूंगा कि वोट किसे दूंगा। मेरी वोट तो उसे ही पड़ेगी जो जीतेगा, क्यों भाई? हाँ भैया, मैं चल रहा हूँ, 1.5 किलो आलू। अरे ऐसा करिए, जल्दी आने की कोशिश करिए, और कल पर्चा भरने का भी आखिरी दिन है, टाइम से जाता तो ठीक रहता। कुछ ना, मैं चला जाऊंगा, 7:30 बजे तक पहले आ लूँगा। हो सके तो चुनाव के दौरान 5-7 राइफल बंदूकों का इंतजाम कर लियो, पता तो चले कितना इंतजाम तकड़ा है हमारा भी। उसकी चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा, मैं चल रहा हूँ अब। ठीक है, संभल के जाइए। राम सिंह, तड़की तू भी अपनी गैल 2-4 आदमी ले आइए। फिक्र मत करो, मैंने सबसे कह दिया, सब तैयार है। अच्छा भाइयों, अब बात तुम्हारे हाथ में है, जोर पूरा लगा दो, हमारा नरेश जीतना चाहिए। मैं न्यू बोलूं, देश राज के कुड़वे से तो सभी परेशान हैं, और मैं तो न्यू कहूं नरेश जीतेगा, और बिल्कुल जीतेगा, क्यों भाई? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब कह तो उनकी हालत यह है कि उनसे राम राम करने को भी कोई राजी ना है, उनकी हालत तो खराब हुई पड़ी है। मैं न्यू बोलूं, यो बात तो ठीक है, अब बदलते टाइम को देख के उन्हें तो थोड़े स्वामी होना भी ना चाहिए, क्यों भाई? अच्छा भाइयों, अब बहुत वार होगी, अपने अपने घर जाओ, और तड़की दिन लिखटते आ लीजो। राम राम। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी। भूल गया के तू अपनी? चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। बड़ी इच्छा थी तेरी चुनाव में उठने की, तेरे को मैं दुनिया से ही उठा देता हूँ। उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। रुक जा मेरे बेटे मनोज, रुक जा, सबर से काम ले बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया किसके सहारे जीऊंगी, किसका मुंह देख के जीऊंगी बेटा, रुक जा बेटा। नहीं माँ, नहीं,
भाई का खून देख के मैं घर में बैठ जाऊं? इतनी गैरता मैं करूं? नहीं, भाई की कसम, जब तक मैं भाई के खून का बदला नहीं ले लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रुक जा मनोज, रुक जा, एक बार माइडम को देख ले बेटा, माइडम को देख ले। अब तो भगवान के यहीं जाके भाषण देगो, खेल खत्म होने वाला, पियो खाओ मौज लो, तुम्हें का परवाह है। कमीना, जिसके हाथ रंगे मेरे भाई के खून से। अरे किसकी बात कर रहा हूं, यहां तो कोई ना। ये सब क्या हो गया दीदी? क्या हुआ दीदी, मनोज कहाँ है? पिताजी ने उसे कहीं छुपा दिया है। क्यों, उसे क्यों छुपा दिया है? उसने 3 खून कर दिए हैं। शायद होने को यही मंजूर था। यहाँ पुलिस बार बार चक्कर लगा रही है, इसलिए मनोज को इधर उधर कर रखा है। देखो चौधरी साहब, अभी भी वक्त है, मनोज को हमारे हवाले कर दो। दरोगा जी, तुम तो खामो को हमारे पीछे पड़ रहे हो, उनसे कुछ ना कहते जिन्होंने बाहर नरेश मारा। उनकी भी तलाश चल रही है, वो जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन इससे मनोज का जुर्म कम नहीं हो जाता, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा। बेहतर तो यही होगा कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो एक दिन एनकाउंटर में मारा जा सकता है। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उसे सरेंडर करा दें। मनोज, उस कमीने ने मेरे भाई को मरवा दिया पायल, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं मनोज, तुम ये सब नहीं करोगे, उसके लिए कानून है, हम कानून से इंसाफ मांगेंगे। नहीं, मैं कानून से इंसाफ नहीं मांगूंगा, इंसाफ को बंदूक की गोली में भरकर उसके सीने में उतार दूंगा। ये सब गलत है, तुम भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। को मारे बिना मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। सोनू, तू यहाँ? हाँ हाँ मनोज भाई, मैंने विक्रम को अभी अपने मुर्गी फार्म हाउस में छिपे हुए देखा है। अब छिपता है चूहा? नहीं मनोज, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। वहाँ कुछ हो, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। जब तक मैं उस कमीने को अपने इन हाथों से नहीं मार लेता, मेरी छाती में सेड़क नहीं पड़ेगी। मनोज रुक जाओ, मनोज भगवान के लिए रुक जाओ। यार राजा, बहुत टेंशन हो रही है, कुछ सामान मंगा ही लेते हैं। टाइगर, एक काम कर, वो बोतल और सोडा जल्दी लेकर आ, और सुन, चिप्स भी ले आना। बताओ हरामजादा कहाँ है?
मुझे नहीं पता। विक्रम कहाँ है? मुझे नहीं पता, अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले गया है विक्रम। तूने भी मारा था ना मेरे भाई को? मुझे माफ कर दो मनोज भाई, मुझसे गलती हो गई है। ये गलती माफी के काबिल नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मनोज तो समझो गया, उसका मैं जल्दी ही एनकाउंटर कर दूंगा। दरोगा साहब, यूं तो यूं समझ लीजिए कि हमारी इज्जत का सवाल बन चुका है। किसी भी कीमत पर ये छोरा मनोज बचना नहीं चाहिए। दरोगा साहब, बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा, पर आप विक्रम को समझा के रखिए। समझना तो हमारे खानदान में किसी ने सीखा ही नहीं। मामला अभी बहुत गर्म है, विक्रम अभी कुछ ना करे, ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है। आपके तो ऊपर से दबाव आ रहा है, लेकिन यहाँ तो हमारी इज्जत पर बात आ गई। बहुत मुश्किल है दरोगा साहब, उसे समझाना बहुत मुश्किल है। जैसी आपकी मर्जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है दरोगा साहब। उसने ताऊ को मार के अच्छा नहीं करा, उसके तो मैं सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। विक्रम भैया, विक्रम भैया। हाँ बोल, ये बात है। मनोज ने राजा और रॉकी को मार दिया है। लगता है घर से आत्महत्या की ठान के निकला है। मैं तो पहले ही कह रही थी, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। बच्चे कुछ गलती करे तो उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बच्चे माँ बाप से तो सीखते हैं छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का अंजाम। कई बार इंसान को वहां लाकर खड़ा कर देता है वह किस्मत को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और आज बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। एक को खो चुके और दूसरे की आस नहीं। मम्मी नमस्ते। चलो बाबा, अम्मा नमस्ते। बाबा बाबा, अब मुझे रोज स्कूल छोड़ना है, करोगे ना? बुड्ढे, अपना लौंडा कहाँ छुपा रखा है? लगता है तू पागल हो गया है विक्रम, जो अपनी मौत को ढूंढता फिरे। बुड्ढे, तेरी मरोड़ वैसी की वैसी है, जरा भी कम ना हुई। देख, जब मौत सामने आती है तो कैसी लगती है। तू मुझे मार ले और मेरे पोते को छोड़ दे, इस पर रहम कर विक्रम। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ विक्रम। Ha 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 ha
सपोला, मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं पता? आखिर कब तक तुम यही खून बहाते रहोगे? जब तक मैं उस दरिंदे का खून नहीं बहा लेता। क्या रह गया? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मनोज, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? पायल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे साथ बहुत खतरा है, तुम वापस चली जाओ। नहीं मनोज, तुम भटक गए हो और जब तक तुम सही रास्ते पर नहीं आ जाते मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पायल, पायल के बात है? भूख लगी है? चलो आसपास में कोई गांव देखता हूं या घर तलाश करता हूं। अरे रामपाल, रोटी खा ले, वो आई धरी है, ठंडी हो जाएंगी। खा लेंगे, कौन सी भाग पड़ रही। अरे नाका नुक्का भी देख लिया था क्या भाई? अरे कौन है भाई वहां? ये कौन है भाई, बोलता क्यों ना? अरे यू तो मजे ले रहा, कहीं तो मजा मुझे गलाया। Beep.
पायल, पायल, उठो पायल, पुलिस आ रही है, जल्दी करो। अब भी वक्त है मनोज, सोच लो। तुम चलती हो या मैं जाऊं? के बात है, के होया? मैं पानी देखूं कहीं। पायल, की बात है? कुछ ना। तो फिर माँ बनने वाली हूँ। सच? ये ऐसा सच है जिसे अब तक रिश्तों के डोर में भी नहीं बांधा गया है। यूं मुंह फेरने से काम नहीं चलेगा। मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मेरा खून बदला चाहता है, सिर्फ बदला। अपने आने वाली औलाद के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। जो मार दिए गए वो भी मेरे अपने थे। मैं कैसे भूल जाऊं मेरे जवान भाई को, कितनी बेरहमी से मार दिया गया। कैसे भूल जाऊं अपने पिता की मौत को। और राजू, राजू ने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरा कर्म कहता है जा मनोज जा, बात है खून की नदियां, खून पी जा उन भेड़ियों का।
तुम्हें दर्द नहीं होता इन सब का? तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का दुख नहीं है? क्या वो लोग मेरे कोई नहीं थे? लेकिन तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तो क्या जो उन्होंने किया वो सही था? तुम्हारा कोई सगा नहीं मरा ना? जिसके अपने मरते हैं पायल, दर्द उन्हें होता है। मुझसे पूछो मेरे जी पे के बीत रही है। आंखें बंद करता हूं तो मुझे अपनों की लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। आंखें खोलता हूं तो मेरी नजरें सिर्फ उस दरिंदे को ढूंढती हैं। तो क्या अपने खूनी जुनून के लिए तुम हमें जीते जी मार दोगे? तुम क्या समझती हो, अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो क्या वो मुझे जिंदा छोड़ देंगे? तुम समझती नहीं हो पायल, बदला इसी तरह लिया जाता है, वरना कल को दुनिया क्या कहेगी? मनोज कायर निकला, अपनी बहू के पल्लू में जा छिपा, अपनी औलाद को देख के अपने बाप भाई भतीजे सबको भूल गया। जरा सोचो, तुम भी तो कितने निर्दोषों का खून बहा चुके हो। अगर सभी तुम्हारी तरह हथियार उठा लेंगे तो क्या होगा? जो मेरे अपने मार दिए गए उनका क्या होगा? अब तो ये घमासान उस कमीने की मौत पर ही खत्म होगा। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे हरा दिया मनोज। मैं सोचती थी मैं तुम्हें बदल दूंगी, पर बदले की आग में तुम इतने अंधे हो चुके हो कि अब तो तुम जायज और नाजायज का फर्क भी भूल चुके हो। जंग में कुछ जायज और नाजायज नहीं होता पायल, सिर्फ दुश्मनी निभाई जाती है। तो क्या हमारा बच्चा तुम्हारी इस खानदानी दुश्मनी के बीच पैदा होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, जो हालात हैं बच्चा उनमें ही पैदा होगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस बच्चे को इन हालातों में जन्म कभी नहीं दूंगी। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। अगर मुझे इस बच्चे को जन्म देना भी पड़ा तो ये भूल जाना कि इसे तुम्हारा नाम मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के खूनी का नाम कभी नहीं दूंगी। पायल! चला चला दे, क्यों नहीं, बदले की आंख में तुम इतने अंधे हो चुके हो कि मुझे भी मार दो। अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा ना होता ना, तो मैं तुम्हें। रुक क्यों गए, बोलो। तुम यहां से चली जाओ पायल, वरना मेरे हाथों से कोई अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अब तक तो तुमने बड़े अच्छे काम किए हैं ना। पायल, मेरी और तुम्हारी सोच में बहुत अंतर आ चुका है, जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता। शायद किस्मत को हमारा साथ यहीं तक मंजूर था। मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। साथ निभाने वाली साथ मेरा छोड़ ना दिए, साथ निभाने वाली साथ मेरा छोड़ ना दिए। दिल में बसने क्यों, किसी और का इंतजार था कि? मैंने सोचा थारे तो कोई रहा नहीं, अब मैं ही थारी खैर खबर ले लूं। नीच कमीने, मेरे घर का नाश कर दिया तूने, अब के लेट आया है। पहले ये बता कि वो कायर मनोज कहाँ है?
अपनी मौत का रास्ता पूछ रहा है? बता कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। कह दिए उस कुत्ते के पिल्ले ते, अगर मर्द का बच्चा है छुपाना फिरे तो मेरे ते आके मुकाबला करे, बचा सके तो मेरे ते बचा लेना उसे। बंदूक अगर हाथ में हो तो कोई भी मर्द आने दिखा सकता है। Thank you.
रुक जा मनोज, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। नहीं दरोगा, आज कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। इसे छोड़ दो मनोज, इसे सजा कानून देगा। इसको सजा मैं दूंगा, इसकी मौत मेरे हाथ में है। कुल्हाड़ी फेंक दो मनोज, मुझे गोली चलाने पर मजबूर ना करो। अब भी मान जाओ मनोज, ये अपने कर्मों की सजा खुद भुगतेगा। आंख उठा के देखने की भी जरूरत नहीं करेगा। अब घर रहा कहाँ मनोज, घर तो इंसानों से होता है ना। अगर अब फिर कभी किसी विक्रम ने हमारे घर की तरफ नजर उठाने की कोशिश करी तो कौन बचाएगा हमें? बचाएगा, बचाएगा मेरा मेरा डॉक्टर साहब। मैंने ऑपरेशन करके उसकी सारी गोली निकाल दी है। क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं नहीं, वो अभी होश में नहीं है, उसे होश में आने में टाइम लगेगा, वो आईसीयू में है। तमाम गवाहों के बयानात और मुलजिम के इकबाले जुर्म से साबित होता है कि मुलजिम ने सभी कत्ल किए हैं, जिसके लिए मुलजिम को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। चूंकि मुलजिम कोई पेशेवर हत्यारा नहीं है, जो भी हुआ हालात के कारण हुआ। चूंकि मुलजिम एक विद्यार्थी भी है, इसलिए तमाम हालातों के मद्देनजर अदालत मुलजिम मनोज को धारा 302 के तहत सख्त आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। और 16 साल बाद पायल, जिंदगी भी कितनी अजीब है, ये इंसान को कैसे कैसे खेल दिखाती है। आदमी सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। हम दोनों ने साथ चलने का जो वादा लिया था, वो मेरी वजह से टूट गया। तुम्हारे सारे सपने मेरे कारण टूट गए, तुम्हारी जिंदगी मेरे कारण खराब हुई है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं पायल, मैंने जो अपराध किए उनका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं, क्योंकि समय और हालात ऐसे होते गए, मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। मैं अपने आजीवन कारावास को उसके प्रायश्चित के रूप में व्यतीत करूंगा। पायल, अगर तुम मेरी एक आखिरी बात और मान लेना, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लेना, तुम्हारे जीवन में आई खुशियां मेरी आत्मा पर रखे
इस पाप के बोझ को जरूर कम करेंगे। ये क्या, तो फिर लेकर बैठ गई चिट्ठी को? कितनी बार पढ़ेगी ये चिट्ठी को? वैसे तो तू उसे बड़ा प्यार करती है कि उसकी कोई बात नहीं बुला पाती, पर इतने सालों में ना तू उससे मिलने गई, ना मोहित को जाने दिया और ना कभी मनोज को ये बताने दिया कि तू यहाँ रहती है। आखिर कैसा प्यार है ये? माँ जे! बड़ी मम्मी! मम्मी! ये! या! ये! अरे मैं गिर जाऊंगी, अरे मैं गिर जाऊंगी। माँ जी मैं अव्वल नंबरों से पास हो गया। क्या कह रहा, नंबरदार का नाश हो गया? माँ जी ये पास हो गया, पहले नंबर से फर्स्ट आया है, फर्स्ट। माँ जी जीता रहे मेरा बच्चा, ऐसी अव्वल नंबर में पास आवे, मेरा बच्चा, मेरा लाल। बड़ी मम्मी चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अच्छा दीदी मैं खेतों तक हो आऊं। रुक, इसे खाना खिला के मैं भी चलती हूँ। अरे आप संभालो अपने लाडले को, खेतों पर मैं हो आती हूँ। कहिए किससे मिलना है आपको? बड़ी मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। किससे मिलना है? मनोज। भाभी ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन मनोज तुम्हारे तो अभी 4 साल बाकी है, तुम इतनी जल्दी कैसे आए? अभी क्या पायल, पायल यही है। पायल यही है। मनोज, अरे बेटा। बहू जा पायल को बुला ले, जल्दी जा। रुको भाभी, पायल कहाँ है? वो खेतों पे गई है। मैं खुद जाऊंगा खेतों पर, मैं जाऊंगा। दक्षिणा है। बाबा नमस्ते। बस्ते बस्ते तो थारे पास हो सके बेटा, मारे पास को नहीं।
मन्नत तो न्यू लगे, यू मनोज का छोरा दिखे या यू तो उस जैसा ही लगे। मैं तो डर भी गया। मनोज पायल, मैं कानून की सजा पूरी करके आ गया हूं। अब तुम्हारी सजा बाकी है, तुम्हारा गुनाहगार तुम्हारे सामने है, तुम जो सजा देनी चाहो मुझे मंजूर होगी। रो मत पायल, अब तेरे रोने के दिन बीत चुके हैं। आओ जिंदगी को नए रूप में शुरू करते हैं। साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए, साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए। दिल में बसने वाले मेरा दिल तोड़ ना दिए, ओ दिल में बसने वाले मेरा दिल तोड़ ना दिए। अरे साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए, साथ निभाने वाले साथ मेरा छोड़ ना दिए। दुनिया दुश्मन लाख बने इस दुनिया से के डरना,